दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3, मुझे आपके इस फोन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। क्या हम इस फोन को अपने डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हैं? देखो, मैं ये फोन बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ अपने प्राइमरी सिम के साथ, तो मेरा का एक्सपीरियंस रहा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब चक्कर क्या है कि यहाँ पर हमें मस्त वाला डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में काफी लोग कंफ्यूज हैं कि हमें ये फोन लेना है या फिर नहीं लेना। इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 को लेकर। बाकी जहां तक डिस्काउंट की बात है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर लेना, जो भी ऑफर्स हैं सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। 14-15 हज़ार के आसपास का आपको सीधा डिस्काउंट भी यहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ ना कुछ ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। पहले हम बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो, डिजाइन तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही इनोवेटिव डिजाइन है। एक ये फोल्डिंग फोन है, इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, और जब आप इसको फोल्ड या ओपन करेंगे तो इसकी जो हिंज है वो मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा। साथ में जब आप फोन को ओपन करेंगे तो ये सुपर स्लिम फोन बन जाएगा, ये आप देख ही सकते हैं। स्लिम भी है और वेट भी फोन का ज्यादा नहीं है। साइडों में आपको मिलता है अल्मोनियम का फ्रेम और बैक साइड पे आपको ग्लास दे रखा है, और यहाँ पर मैट फिनिशिंग मिल रही है आपको इसके ग्लास पर। और जहां तक ग्लास प्रोटेक्शन की बात है तो यहाँ पर आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन। तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। और फ्रंट पे हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर यूज किया गया है। इसके डिस्प्ले पे फोल्डिंग है तो ग्लास तो यहाँ पर हो नहीं सकता। बाकी मुझे फोन यूज करने में बहुत ही कंफर्टेबल लगा, बिल्कुल फोन हैवी फील नहीं होता। इसका अगर मैं वेट बताता हूँ आपको तो ये आपको मिलता है 186 ग्राम के आसपास, और फोल्ड करने के बाद तो ये एक छोटा सा फोन बन जाता है जो कि आप अपने स्मॉल पॉकेट में भी आराम से कैरी कर सकते हैं। मुझे वेट मैनेजमेंट कमाल का लगा इस फोन का, मतलब आप ये लगा लो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है इस फोन को यूज करने का, फुल ऑन स्वैग है यहाँ पर। 2021 का सबसे फैशनेबल फोन भी मैं इसको बोल सकता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको IPX8 सर्टिफिकेशन भी दे रखी है, तो अगर आपका फोन थोड़ा बहुत पानी में भीगता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी दोस्तों फोल्डिंग फोन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 कैसा लगा। और आज टारगेट है 10,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट्स का, जो कि मैं जानता हूँ आप जल्दी से पूरा कर देंगे। बाकी अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर है 6.7 इंच का फोल्डेबल डायनेमिक 2x डिस्प्ले, और आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत ही स्मूथ चल रहा है यहाँ पर। जब भी आप यहाँ पर कोई काम करोगे तो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। कंटेंट देखने के टाइम पर जो कलर्स हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट आपको मिलते हैं, और इस फोन में HDR10+ का सपोर्ट भी आपको दे रखा है, तो HDR कंटेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप स्ट्रीम कर सकते हैं। और HDR कंटेंट की जो क्वालिटी है वो भी मुझे जबरदस्त लगी है, बहुत ही ब्राइट लगता है HDR कंटेंट यहाँ पर। 1200 निट्स की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस आपको मिल रही है, इंडोर आउटडोर कहीं भी यूज करो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, बल्कि ये पीक ब्राइटनेस HDR कंटेंट के टाइम पे बहुत हेल्प कर जाती है, क्योंकि HDR कैसा परफॉर्म कर रहा है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके फोन की पीक ब्राइटनेस कितनी है। बाकी फोल्डेबल डिस्प्ले है, मुझे अच्छी बात ये लगी है जब हम फोन को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बीच में हल्का सा गैप बना रहेगा। ये गैप होना दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है, अगर मान लो ये गैप ना होता तो जब हम फोन को फोल्ड करते हैं तो डिस्प्ले आपस में टकरा जाता, जिससे चांस रहता डिस्प्ले पे स्क्रैचेस आने का। अब ये चांस बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर गैप बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक रबड़ दे रखी है छोटी सी, जो कि इस गैप को बनाने में हेल्प करती है। बाकी फोन फोल्ड करने के बाद भी बहुत सारे काम आप बाहर से ही कर पाएंगे, एक बार भी आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगा। और ये डिस्प्ले बड़ा हो चुका है पहले वाले फ्लिप फोन के कंपैरिजन में, अब ये मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉल आया या फिर नोटिफिकेशन आया, यहीं से आपको सब कुछ शो हो जाएगा। साथ में म्यूजिक कंट्रोल करना हो या फिर विजेट सेट करने हो, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है यहाँ पर। और सबसे बेस्ट फीचर है हाई क्वालिटी सेल्फीज ले पाएंगे इसका रियर कैमरा यूज करके। बस आप फोन को फोल्ड करो, फिर आप पावर बटन को दो बार प्रेस कर दो, इसका कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इस तरह से देख के फोटो क्लिक कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से वाइड एंगल लेंस यूज करो या फिर वीडियो कैप्चर करो, सब कुछ आप कर पाएंगे इस बाहर वाली स्क्रीन की मदद से। इस बाहर वाले डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मुझे लगी है, सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ जबरदस्त इनोवेशन है ये। और इतना ही नहीं, ये जो स्क्रीन है इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। गैलरी में से आप कोई इमेज उठाओ उसको आप यहाँ पे सेट कर दो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह। भाई कैमरा की जहां तक बात है तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है 10 मेगापिक्सल का, और रियर में ड्यूअल कैमरा सेटअप है 12+12 मेगापिक्सल। ये कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं। रियर कैमरा यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्वालिटी को लेकर कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, इंडोर आउटडोर हर जगह ये जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। फ्लेक्स मोड दोस्तों इसका बहुत ही यूजफुल है, मैं ये बोल सकता हूँ ये इस फोन का सबसे मेन फीचर है। चाहे आप इसको यूज करके वीडियो कॉल्स करो या फिर सेल्फी के लिए, इस तरह से फोन को रख दो फ्लेक्स मोड में, फिर आप सारे काम आराम से कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग करने का भी आपको यहाँ पर मजा आ जाएगा।
और अगर आपकी कोई पिक्चर क्लिक कर रहा है इसका रियर कैमरा यूज करके, तो वो पिक्चर आप इसके कवर स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ से इसको ऑन करके। ये भी दोस्तों बहुत ही मस्त लगा मुझे, आपको पता रहेगा कैसा शॉट आ रहा है। और ये चीज फ्लेक्स मोड और नॉर्मल मोड दोनों मोड में काम करती है। और अगर आप हाथ में फोन लेकर वीडियो शूट करते हैं तब भी थोड़ा फोन को अगर आप फोल्ड करेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा इस तरह से वीडियो कैप्चर करना। कुल मिला के कैमरे के टाइम पे ये फोल्डिंग फोन की कैपेबिलिटी बहुत आपके काम आने वाली है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन में है स्नैपड्रैगन 888। बिल्कुल डाउट मत रखना परफॉर्मेंस को लेकर, कोई भी काम आप यहाँ पर बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। साथ में वन यूआई इसमें सुपर ऑप्टिमाइज हो चुका है फोल्डिंग फोन्स के लिए, मल्टीटास्किंग यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है। वन यूआई में कमाल के फीचर्स हैं और ये सारे फीचर्स बहुत ही मस्त काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉल क्वालिटी यहाँ पर सुपर है, नेटवर्क स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फोन का। साथ में यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन भी इसका बहुत अच्छे से काम करता है, अगर आपके आसपास थोड़ा शोर हो रहा है तब भी आप यहाँ पे आराम से बात कर पाएंगे फोन पे। बाकी स्टीरियो स्पीकर्स भी इसके काफी लाउड और क्लियर है, मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। ऑडियो क्वालिटी को थम्स अप है मेरी तरफ से। बैटरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैटरी है 3300 mAh की 15 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ। ये अगर 25 वोल्ट होता तो मजा आ जाता। बाकी वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको वायरलेस चार्ज भी कर पाएंगे और साथ में रिवर्स वायरलेस चार्ज के भी ऑप्शन है। अगर आप इस फोन से किसी और चीज़ को वायरलेसली चार्ज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 का। मुझे ये फोन प्राइमरी सिम के साथ यूज करने में जबरदस्त लगा, आप इसको अपने डेली ड्राइवर की तरह आराम से यूज कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और बल्कि आपको बहुत ही स्वैग वाला फोन लगेगा यूज करने में। फोल्ड करके ये मस्त छोटा सा फोन बन जाता है, आप इसको कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इनोवेशन के चक्कर में बाकी चीजों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, स्पीकर सब कुछ यहाँ पर टॉप क्लास का परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक सेल की बात है तो 10 सितंबर को सेल स्टार्ट है इस फोन की। ऑफर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप चेक कर लेना, मस्त आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अभी तक का मुझे ये सबसे अफोर्डेबल फोल्डिंग फोन लगा जो कि फुल ऑन पावर के साथ आ रहा है। तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये फोन कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।